अरे अदिति भाया यार, हर जगह लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन ये तैयार होने में ना लेडीज कभी फर्स्ट नहीं हो सकती। अदिति जल्दी आओ। अरे यार माया भी दो घंटे से रेडी हो रही है, माया जल्दी करो प्लीज। उनका बनता है यार, यार इतनी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं हम लोग, कितना एक्साइटमेंट लग रहा है यार। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। लवली। वाह, तुम तो हमेशा से ही प्रिंसेस लगती हो। इसे कहते हैं हाई प्रोफाइल कपल। और इसे? आधार कार्ड कपल। हो गया? क्या बात है, ऐसा लग रहा है आप लोग भी कहीं जा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं मतलब? जहां आप जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। मैं तो ऋषभ की पार्टी में जा रहा हूँ। हाँ, तो हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो। भैया ऋषभ ने सिर्फ मुझे और श्रेया को बुलाया है। क्या 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 वैभव क्या कह रहे हैं? तुमने तो कहा था कि हम सबको इनवाइट किया है। अरे हाँ, मैंने वैभव और श्रेया जी को बात करते सुना, तो मुझे लगा ये लोग जा रहे हैं तो पूरी फैमिली जाएगी ना। जी जी लो, और आपको बात करते हुए मैंने सुना था, जब आप अदिति को बता रहे थे, अब कुछ भी सुन लेते हैं क्या? आपकी वजह से कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक सेकंड, आपको किसने कहा था हमारे कमरे के बाहर कान लगा के हमारी बातें सुनने के लिए? हाँ हाँ, तो कान है मेरे, सुन सकती हूँ मैं भी। अरे कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गई है, पर मैं निकलता हूँ। वैभव, रोहित, दामाद जी, सविता, जल्दी आओ। भेड़ जी आ जाओ। अरे न्यू कार, ये किसकी उठा ले? कैसी लगी? आपने कार खरीदी? हाँ, ये हमारी कार। वो ऋषभ वर्मा से जो एडवांस पैसे मिले थे ना, उससे लिए। सोचा कि बरसों पुराना जो हमारा सपना है कार का, सबसे पहले उसे पूरा करो, तो ले लिया। क्या बात है पापा। अरे वाह पापा, क्या बात है, लाइफ में पहला क्या काम किया आपने आज गाड़ी लेकर। मम्मी वो क्या है कि हम अभी ऋषभ वर्मा के बिजनेस पार्टनर से ना, तो ऐसे अगर हम रिक्शा में ट्रेवल करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी, एडवांस के सारे पैसे कार में लगा दिए, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होने देते। कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो ही जाएगा सविता, पर अरे अब ये पर वर मगर सब तुम छोड़ो सविता, अब हम छोटी दुकान के मालिक नहीं रहे, ऋषभ वर्मा के बिजनेस पार्टनर्स हैं। नाभियाई हाँ, तो जब आप ले ही रहे थे डैडी जी, तो थोड़ी बड़ी कार ले लेते, इतनी छोटी कार से इतनी बड़ी फैमिली का क्या ही होगा, इसमें तो मुश्किल से चार ही लोग आ पाएंगे। अरे नहीं भाभी, बहुत सही है पापा, सिटी राइड्स के लिए इतना ट्रैफिक है भाभी, बहुत मस्त। मिडिल क्लास फैमिली का सदियों पुराना बहाना ट्रैफिक। मुझे तो पिछले कुछ दिन सपने जैसे लग रहे हैं, लक्ष्मी माँ की अपरंपार कृपा हो गई है, हमारा बिजनेस चल पड़ा, वैभव को नौकरी मिल गई, गाड़ी आ गई। चलो सविता, ऋषभ वर्मा की पार्टी में हम कार में ही जाएंगे। पापा शायद आपको भी गलत फहमी हुई है, ऋषभ ने पार्टी में से मुझे और श्रेया को बुलाया है। नहीं, वो ऋषभ का खुद मुझे फोन आया था, कह रहा था कि आप भी आना और सविता को भी साथ लेकर आना, बता रहा था कि वैभव और श्रेया भी आ रहे हैं। अच्छा फोन आया तो अभी ठीक है ना, सब साथ में ही चलते, कार से चलते हैं, चलिए। देखो बस हमें एक इनवाइट नहीं किया, हम तो फालतू है ना दुनिया में। श्रेया कहाँ? मम्मी वो शॉप में है, उसे कुछ काम था, वो वहीं से डायरेक्ट पहुंचेगी। अच्छा ठीक है। हाँ।
आराम से चलाना भाई, नहीं है। Enjoy! हम भी कर पाते। काले साहब, थैंक यू एवरीबॉडी पार्टी में आने के लिए, एंड प्लीज एंजॉय द पार्टी, हैव अ सीट प्लीज प्लीज। हाय, ग्रेट पार्टी ऋषभ, हमेशा की तरह। थैंक यू थैंक यू। ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते अंकल, आने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, हम अपनी खुद की कार में आए हैं तो आराम से पहुंच गए। बहुत सुना था आपके बारे में, सोचा मिलके शुक्रिया अदा करूंगी। आपने इतना किया है हमारे परिवार के लिए, सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं आप। बस थैंक यू। लक्ष्मी माँ का हाथ तो तुम्हारे सर पे है, बस ऐसे ही बना रहे। आपने बिल्कुल सही बात कही, पर क्या इंसान की इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं तो बढ़ती रहती हैं। जिंदगी भर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है, और मुझे लगता है कि जिस चीज की मुझे तलाश है वो शायद आपसे मिलने के बाद या आपसे मिलकर मुझे जरूर मिल जाएगी। आंटी, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। मैं ये नहीं ले सकती। प्लीज, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। प्लीज, थैंक यू। प्लीज खोल के देखिए ना। ये तो बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली मुझे पता चला कि आप लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो मैंने सोचा इससे बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है आपके लिए। आपने इतना सोचा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज आप हैव अ सीट, एंजॉय कीजिए। ऋषभ, थैंक यू सो मच। ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, थैंक यू। प्लेजर इज माइन मैन। वैसे श्रेया नहीं आई? श्रेया को शॉप में कुछ काम था, वो काम खत्म करते आती होगी। हाँ प्लीज। मेरे पापा के घर कभी ऐसा नहीं हो रहा रोहित, यहाँ पे इतना तैयार हो गया है, पता चलता है इनवाइट ही नहीं किया। मैंने तो नई ड्रेस मंगवाई थी, इतने प्यार से खरीदी थी इन्होंने मेरे लिए। खरीदी? पास वाली कॉलोनी में जो टेलर है ना, जो डिजाइनर की फर्स्ट कॉपीज बनाता है, उसी की टंगी हुई देखी थी मैंने ये ड्रेस। क्या तुम फर्स्ट कॉपी खरीद के लाए मेरे लिए? अब ना ना, फर्स्ट कॉपी क्यों खरीदूंगा, किराए पे लिया। क्या तुमने ये फर्स्ट कॉपी भी किराए पे ली है? अरे एक्चुअली क्या समझदारी वाली बात की जीजा आपने, वाह क्या सोच है, भाड़े पे लिया है। यहाँ 8,000 की इनकी एक साड़ी आई है और 4,000 इनके पार्लर के, मतलब खाया पिया कुछ नहीं और चूना लग गया 12,000 का। दिमाग चलो पार्टी में जाएंगे। अरे सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अरे अदिति सॉरी, अदिति। हेलो ऋषभ। हाय प्लीज। पार्टी में तो आपने बुला लिया, पर ये नहीं बताया कि ओकेशन क्या है, आखिर किस बात की सेलिब्रेशन है ये? वो एक्चुअली
वजह सेलिब्रेशन की बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कीमती चीज मेरी जिंदगी में आने वाली है और इसीलिए मैंने ये पार्टी दी है। प्लीज एंजॉय। हमारी श्रेया है। श्रेया ये क्या पहना है? वैभव तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो ये ड्रेस पसंद है ना? तुमने ही तो मुझे पसंद है। अरे मैंने कब बोला ऐसा? इतना चकाचक तैयार हुए, एक दिन का किराया भी लग जाएगा कपड़े का, तो वेस्ट क्यों जाने दे? पार्टी में नहीं गए तो क्या हुआ? विद्याधर घर में ही ऐसा पार्टी का माहौल बना देगा ना, ऐसा डांस करेगा कि बड़े से बड़े प्रोफेशनल डांसर भी शर्मा जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपके सामने हाजिर है द बेस्ट डांसर ऑफ तोसनीवाल परिवार। मैंने कुछ और दिया था तुम्हें पहनने के लिए और तुम ये। हाय श्रेया, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। वैसे तो यू आर वेरी प्रिटी, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, पर आज यू आर लुकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन I must say, lucky man he is, yeah? वैभव, मम्मी पापा भी आए? Oh, actually, मैंने उन्हें last moment पे फोन करके बुलाया था। अच्छा किया ना? Oh God, मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे? जब पता होता कि ये दोनों भी होंगे तो मैं मना कर देती वैभव को। ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, क्या करूं? क्या कपड़े पहने बेटा, कुछ तो शर्म करती। वैभव के पापा भी यहां पे हैं। वो तो शर्म के मारे तुम्हारे सामने भी नहीं आ रहे। मम्मी मुझे नहीं पता था कि आप और पापा भी होंगे यहाँ पे, और मैंने तो मना किया था। पूछो इससे, वैभव ने ही मुझसे कहा था कि मैं ये ड्रेस पहनूं। इसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, खड़े खड़े अपनी बीवी को देखता रहे, नॉट फेयर। डांस करो यार, कम ऑन, डांस विद द ब्यूटीफुल लेडी, कम। पापा मम्मी वहां खड़े हो, कितने एम्बैरेस हुए होंगे तुम्हें पता है? कितना अजीब फील हो रहा होगा, ऑकवर्ड हो गए होंगे। कैसे कर सकती हो यार तुम? अजीब बात है, वैभव ने ही मुझे ये ड्रेस पहनने को कहा,
मतलब वही नाराज हो रहा है। मुझे ये ड्रेस यहाँ पहन के आना ही नहीं चाहिए। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। I'm really sorry. Let me help you. No, it's okay. रहने दीजिए। वॉशरूम कहाँ पे? वो नीचे। नीचे का वॉशरूम खराब है, आप ऊपर चले जाइए। थैंक यू। शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ।